बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिन, मैं हूं असलम जावेद और मेरे साथ हैं इस वक्त नूरी सरकार साहब। तो नूरी सरकार साहब, इस वक्त जापान से बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, जो लोग यहां से वीज़ा लेके जा रहे हैं, बाज़ औक़ात तो उनको यहां से जो एयरलाइन जो जा रही हैं, जो गल्फ की एयरलाइन है, कुछ वो लेके जा रही हैं, वो यहीं से ही उनको यानी कि बोर्डिंग पास ही नहीं देती। और फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग जापान पहुँच जाते हैं उनको यानी कि लैंडिंग परमिशन नहीं दी जाती और ना ही उनको जापान में एंटर होने दिया जाता है, वापस भेजा जा रहा है। तो अब ये बताएं कि लोगों को किस तरीके से डिपोर्टेशन से बचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, जैसे ही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखें, मैं आज इस वीडियो में जो है आपको तफसील से बताऊँगा कि अगर आपको वीज़ा जापान का मिल गया है और आप इस कश्मकश में मुब्तला है कि मैं जापान जाऊं या ना जाऊं और आपके अंदर खौफ है, तो ये वीडियो आपके लिए, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, देखें हम आपके लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं और क्योंकि ये इस टाइम ज़रूरत है, इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है इससे। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल को ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना जानते हैं, नहीं हमारा ना सब्सक्राइब करेंगे ना लाइक करेंगे। हमने रिक्वेस्ट करनी थी, हमने कर ली है, ताकि दूसरे लोगों में भला और कम से कम हमारा आपका कंट्रीब्यूशन हम तक पहुंचे। देखिए जी, अगर आप चाह रहे हैं मुकम्मल वीडियो तो वो इस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल होगी। ये जो छोटा सा क्लिप है ये आपको टिकटॉक पे और उसके अलावा दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मिलेगा। नूरी सरकार और असलम जावेद साहब आपका जूम चैट चैनल और नूरी सरकार को यूट्यूब पे सर्च करें। आज मैं तफसील से बता रहा हूँ, ये वो कुर की बातें हैं जो आपको कोई भी एजेंट नहीं बताएगा, कोई भी बंदा ये नहीं बताएगा, अपनी रोजी रोजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये चीज़ें हमने अपने तजर्बे से सीखी हैं, ये चीज़ें हमने सीखी हैं वक्त के साथ, कुछ पैसा लगा के कुछ नुकसान उठा के सीखी है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि स्टेप टू स्टेप आपने करना क्या है कि अगर आपके पास जापान का वीज़ा है। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि डेपोर्टेशन हो रही है और वीज़ा भी बड़ा कास्टली है पाकिस्तान में, किसी से पूछे सही क्या वैल्यू है, वो जबान दांतों के नीचे दबा लेते हो तुम्हारे पास जापान का वीज़ा, क्योंकि इसकी एक वजह है, ये डेपोर्टेशन सिर्फ पाकिस्तानियों को ही ज़्यादातर फेस करने को मिल रही है। Exactly. और भी कंट्रीज हैं लेकिन ज्यादातर फोकस पाकिस्तान, लेकिन सरकार उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से 99% लोग जाके वहाँ पर असालम ले रहे हैं। अब वो फर्ज करेंगे 100 लोगों को उन्होंने वीजे दिए, 100 लोग वहाँ पर चले गए, उसमें से क्या है कि 90 लोग वहाँ पर रह गए, 10% लोग वापस आ रहे होंगे दुबई में जिनके अच्छे बिजनेस सेट हैं, तो लोग तो जाएंगे जापान में, फिर पाकिस्तानी को क्यों एंटर करेगा वो? हर बंदा जो है ना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता है, उकता चुका है महंगाई से, बेरोज़गारी से, लोड शेडिंग से, ये सियासी सूरत हाल जो बदल रही है पाकिस्तान में, ये हंगामों से, लड़ाई झगड़ों से, मतलब देखें मौजू पे आए, मौजू ये हम ये मालूम कर रहे हैं, हम अपने आवाम को बताना चाहते हैं कि डिपोर्टेशन से कैसे बचा जाए। हाँ, अभी वो टाइम है कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास जापान का वीज़ा आ चुका है, आपकी खुशकिस्मती आपने किस तरीके से हासिल कर लिया वो एक अलग बात, आपके पास आ गया बार कोड, आपके पास है वेरी गुड। अभी आपने करना क्या, आपने सीधा मुंह उठा के कोई भी टिकट बुक करके जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो अच्छा, और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो शो मनी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शो मनी नहीं है तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमको तो बड़ी आसानी से एंट्री मिल गई, यार आप कुछ किस्मत है आपको आसानी से मिल गई है। देखें यार, ये ना कहें कि भाई सबको मिल रही है, चले आप लकी बंदे हैं, हम मान लेते हैं आपको मिल गई है, लेकिन क्या आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जिनको डिपोर्ट किया? क्या आपको पता है वो कितने दलेर लोग हैं? क्या आपको पता है वो कितने बहादुर लोग हैं? जो बंदा डिपोर्ट हुआ है, मतलब एंट्री डिनाई हुई है उसकी और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं जापान से मुझे एंट्री नहीं दी और मेरा सफ़र 2 दिन जाते हुए लग गया, 15-20 घंटे वहाँ मुझे स्टे करना पड़ा, 2 दिन में मैं वापस पहुँचा, तो मैं ये भी कर सकता था। लोग अक्सर ये करते हैं, अपना थोड़ा सा व्लॉग बना लिए, फोटो शूट जापान जापान करके एयरपोर्ट पर, जी मैं जापान से हुआ हूँ,
मेरा जो ट्रैवल प्लान था वो 7 दिन का था, मैं 3-4 दिन में वापस, 3-4 दिन में वापस। जो बंदा ये झूठ बोल सकते हैं, हाँ, ये बंदा नहीं बोलते हैं लोग, अच्छा ये शर्मिंदगी से बचने के लिए भाई क्या करें, मतलब जो बंदा ये कह रहा है ना कि मैं मुझे भाई रिपोर्ट कर दिया या मुझे इंट्री डिनाई किया, वो बहादुर है, वो दिलेर आदमी है। चले ये बताएं, मैं नाज़िम को ये बताएं कि डिपोर्टेशन से कैसे बचा जाए, ये बताएं। अच्छा भाई उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ही ये वो पॉइंट है जो आप हजारों धर्म खर्च करने के बाद भी जो है आपको कोई एजेंट बताए या ना बताए। सर आपसे इसलिए तो हम फीस भी मिला, आप इस चैनल के तवासुब से ये देख रहे हैं, मैं बताऊंगा। अगर आप जापान का वीज़ा आपको लग गया तो आप डायरेक्ट जापान, दुबई से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से, यानी गल्फ से कहीं डायरेक्ट ट्रैवल बिल्कुल ना करें। आप सबसे पहले पकड़े मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है मलेशिया का, अच्छा, क्योंकि आसानी के साथ आपको मिलेगा मल्टीपल मलेशिया का एंट्री, हाँ, अगर आपके पास, बल्कि थोड़ा सा आजकल वहाँ भी डेपोटेशन का चल पड़ा है सिलसिला, हाँ मलेशिया तो से भी मैं कह रहा हूँ कि थाईलैंड का पकड़ लें जो सबसे आसान है। थाईलैंड का वीज़ा लग गया, आप मलेशिया का लगवा लीजिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये गेम हो जाती है, खुद बंदा लगवा रहा है तो बहुत आसान है, एक एक फॉर्म में फिल करने लगाते जाए, ठीक है। आपने थाईलैंड का लगवाया, आपने मलेशिया का लगाया, अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद एक और आपको वीज़ा चाहिए जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मैं समझता हूँ इंडोनेशिया का। मेरे सारे व्लॉग्स आप देख रहे होंगे, अच्छा 17,000 से ज़्यादा जजीरे इंडोनेशिया में है, अच्छा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का जो मुल्क है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है इस टाइम, शायद लोगों को नहीं पता, वो इंडोनेशिया है। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हाल ही में सूफी साहब जो इंडोनेशिया का भी चक्कर लगा कर आए, और कौन सा कंट्री है जहाँ, अच्छा जी, जो जहाँ सोने की मस्जिद वगैरह, जो क्या नाम है उस कंट्री का, ब्रुनाई दारुल इस्लाम, ब्रुनाई दारुल इस्लाम। मैं फिलीपीन में भी गया हूँ, मैं साउथ ईस्ट एशिया सारा मैंने एक दफ़ा नहीं है, ब्रुनाई अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा मैं, अच्छा ओके, इंडोनेशिया 2 दफ़ा, यानी कुछ मुल्क होते हैं जो आपका दिल करता है मैं बार बार भी बार बार जाए। पॉइंट पे बाहर लूँ, आपने ये 3 मुल्कों के वीज़े ले लिए, चौथा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसका ही वीज़ा ही है सिंगापुर का, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपके पैकेज में कंबोडिया भी आ जाता है, वियतनाम भी आ जाता है, लेकिन आप जब थाईलैंड होते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल जाता है थाईलैंड के अंदर से ही, ठीक है। यहाँ आपने लगवाना है, यहाँ से भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कैपेसिटी 3 वीज़े आपके पास आ गए, जिसमें आपको बताया थाईलैंड, मतलब थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, 3 कंट्री के वीज़े, ये स्टिकर वीज़े होंगे, और जो मलेशिया का मल्टीपल स्टैंप लगती है पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो भी कंसीडर स्टिकर में ही होता है। अच्छा अच्छा जी, आपने सबसे पहले ले ली थाईलैंड की टिकट, यहाँ से आप सीधा थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड में आप स्टे करें 1-2 दिन, वहाँ से कोशिश करें अगर आपको वियतनाम का वीज़ा मिलता है, कंबोडिया का वीज़ा मिलता है, जो 7-7 कंट्री है वहाँ भी विज़िट करें, और वहाँ से आपने फ्लाइट लेनी है, ये 200-300 दिरहम की फ़्लाइट होगी, ये नेक्स्ट सारे वीज़े खर्चा महंगा नहीं सर, 200-300 दिरहम से ये ज़्यादा टिकट ही नहीं होगी। बात तो आपको रोड पर भी एंट्री दे देंगे, हन्नाई करके एक शहर है जो कि किधर का है, वियतनाम का, नहीं वियतनाम का नहीं सर, ये जो मतलब मैंने अभी बोला, आप क्या बोला, मलेशिया थाईलैंड, थाईलैंड हन्नाई करके एक शहर है थाईलैंड का, वहाँ से आप बस कुआलालंपुर भी चले जा सकते हैं, ये भी फंस कुआलालंपुर, हाँ जी, यहाँ आपने एयरलाइन आपको 300-250 दिरहम की मिलेगी, लोकल है वो, चले शार्ट करें इसको, शार्ट करें, अच्छा हाँ। वो ले ले वहाँ से आप मलेशिया के, मलेशिया 1-2 दिन रुके, वहाँ से आपने क्या करना है, आपने जाना है इंडोनेशिया, वहाँ जाएँ 1-2 दिन वहाँ रुके, वहाँ इंडोनेशिया से आपने सीधी टिकट लेनी है कहाँ की, टोक्यो की 500-600 दिरहम की टिकट मिलेगी, या भी याद, अच्छा वहाँ से टोक्यो की, हालांकि 8 घंटे का सफ़र 7 घंटे, और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जब आप 3 कंट्री ये घूम के आएंगे और आपकी फ्लाइट वहाँ से इंडोनेशिया से आप सीधा उधर जाएंगे, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और आसानी के साथ आपको, और अगर उन्होंने उसके बावजूद भी डिपोर्ट कर दिया तो मौलवी साहब जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं ना, इनके पैसे मैं आपसे लूंगा, बता भाई एक और बात बता देता हूँ, एक आखिरी बात है, आप डिपोर्ट होते हैं मशवरे पर भी पैसे नहीं देंगे, बता रहा हूँ भाई साहब एक आखिरी बात बहुत बताता हूँ, अगर इसके ऊपर कहते हैं सोने पर सुहागा करना, जिस बंदे के पास भी जापान का वीज़ा है वो कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर ले बड़ी आसानी के साथ, 15 दिन पासपोर्ट रखेंगे, लेकिन वीज़ा आपको कौन कौन सा देंगे
वीजा आपको ई वीजा ही देंगे। चले जी नासिर, और की हमारी बात माशाल्लाह मुझे सबसे बड़ी मुफीद है। सर करके ना अपने डायरेक्ट कोरिया जाना, कोरिया से जापान आ जाए तब भी पॉसिबल, अगर कोरिया का वीजा मिल जाए थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए बहुत शुक्रिया नूरी सरकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुफीद बातों से। इंशाल्लाह हमारे नाजरीन बहुत कुछ सीखे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।